एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और सुबह का टाइम हो रहा है। अभी 9 बज रहे हैं, एक्चुअली 7 हो रहे हैं इस टाइम। और मैं अपने घर से आ चुकी हूँ, ससुराल से। कल हम लोग आए थे, रात हो गई थी हम लोगों को आते आते, दोपहर में चले थे और हम लोग, और 8:30 बजे या फिर 8 बजे हम लोग आए। फिर आने के बाद घर इतना गंदा हो रहा था क्योंकि इतने दिन रुके थे, तो पूरा घर अच्छे से क्लीन किया कल ही मैंने, और आज सुबह किया, कपड़े धो गए थे और बालकनी में कपड़े डाल दिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे दिख रही होंगी क्योंकि मैं जस्ट अभी नहाकर आई हूँ। हेयर वॉश नहीं किया है मैंने, क्योंकि हेयर वॉश मैं कल करूँगी, कल मंडे है। तो नहाकर आई हूँ और बस अभी कुछ भी नहीं किया, बाल वाल भी नहीं बनाए हुए मैंने, कि कल का टीका मेरा छुटा ही नहीं, इतना ज़्यादा कलर वो था उसका टीके का। फाइनली घर से आ चुके हैं और देखो घर, मैंने अपने घर में कर्टन भी लगा दिए हैं, आज सुबह ही कर्टन लगाए हैं। और ये लाइटिंग दिख रही होगी, ये भी मैं घर से लाई थी, मार्केट गए हुए तब लेकर आई थी, बेड के पीछे मैंने ये लाइटिंग लगा दी। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। और हम लोग घर से आ चुके हैं तो बस अभी नहाए। देखो मेरे पास ये कॉम्ब भी रखा हुआ है और लोशन भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं किया, बस नहाने के सीधे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। क्योंकि घर पे हम इतने दिन रुके थे और हस्बैंड की घर जाने के बाद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि दिवाली, भाई दो सारे फेस्टिवल हो गए लेकिन वो बेड से ही नहीं उठे थे, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी उनको। तो अब तो तबीयत ठीक है, बस फीवर कोल्ड कुछ भी नहीं है, बट इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे, इतनी ज़्यादा मेडिसिन ली थी तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है उनको। तो बस इसीलिए अब दवाई तो घर से लेकर आ गए थे, एक हफ्ते की दवाई लेकर आए आई थी, तो दवाई आ चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि मंडे से ना मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए घर पे मैंने कोई भी वीडियो व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वीडियो शूट करनी या नहीं करनी कुछ भी, तो इसलिए मैंने शूट नहीं की। और अगर हस्बैंड की तबीयत ठीक होती तो पक्का मैं थोड़ा बहुत दिवाली ब्लॉग कुछ ना कुछ ज़रूर शूट करती, वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर शूट करती, क्योंकि घर इतने अच्छा लग रहा था, घर ससुराल में इतने अच्छे से डेकोरेट किया था हमने पूरा घर, इतना मन था कि वीडियो शूट करूँगी, लेकिन वही है ना, मुझे तो टाइम नहीं मिला घर में काम से और ये सब, हम लोग लेडीज़ जितने भी होते हैं वो कितना सारा काम होता है घर में, बट अगर हस्बैंड की तबीयत ठीक होती तो वो पक्का ज़रूर शूट करते कुछ ना कुछ। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर आ रही हूँ और आ गई हूँ, तो अब मेरे वीडियो ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, अभी कुकर में मेरे चने उबल रहे हैं और आलू, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनानी है मेरे को, तो पर छोले बनाने हैं। और आदि मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, तो हस्बैंड गए हुए हैं दूध लेने, मैंने उनको उठा दिया था तो दूध लेकर हस्बैंड आ गए हैं। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ थोड़ा सा, जो मैंने डेकोरेट किया, तो मैंने यहाँ पे विंडो पे कर्टन लगा रखी है और ये लाइटिंग मैं मार्केट गई थी तो वहीं से लेकर आई हुई हूँ, तो मैंने ये बेड के ऊपर फिक्स कर दिया है इसको, क्योंकि ईजिली वहाँ से हम लोग इसको लगा सकते हैं जब भी जलाना हो। तो यही है, और मैंने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं, जैसे कि आप ब्लैंकेट देख रहे हो कि निकला हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पर। तो चलो, हेलो एवरीवन, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, तो मैं आई हूँ किचन में अपनी ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में ओपन सैंडविच, तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। और दोपहर में बनेंगे छोले, तो वो भी मैंने बॉईल करके रख दिए हैं क्योंकि चने उबाल रही थी, तो मैंने सोचा कि उसमें आलू भी उबाल देती हूँ सैंडविच बनाने के लिए। और मैंने अपने किचन में भी कर्टन लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे पाइप लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ के लिए भी लेकर आई थी घर से। और बाहर वाले रूम के लिए मुझे एक्चुअली कर्टन लेनी है, तो देखती हूँ कब जाती हूँ मार्केट तब लेकर आऊँगी। Thank you.
तो यहाँ पे मेरे सैंडविच और चाय रेडी है, बस हस्बैंड अभी आ रहे हैं, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। मिलवाती हूँ मैं आपको अपने हस्बैंड से। वो अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ये रहे गोलू। हेलो, कैसी तबीयत है आपकी? आप तबीयत तो ठीक है। दवाई एक हफ्ते की लेकर आए, कितने दिन की? एक हफ्ते की दवाई लेकर आ गए हैं, क्योंकि फिर ऑफिस भी जाना है ना, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए थे। और पर वीकनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए अब थोड़ा सा खाने पीने को बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। दूध, फ्रूट्स और जूस, ड्राई फ्रूट, सारी चीजें मैं इनको टाइम से दे रही हूँ। तो ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करें। देखो आज आपके लिए मैंने क्या बनाया है, ट्राई करके देखो। एक बताओ सब लोगों को कैसा बनाया है मैंने, एक बाइट लेकर देखो। क्रिस्पी है ना, कैसा लग रहा है? सच्ची अच्छा बताओ, अच्छा बढ़िया। सच्ची में अच्छा है। तो चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं दोपहर के। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, मैंने छोले बनाए हुए हैं तो बन चुके हैं, और आटा भी रखा हुआ है। तो देखती हूँ 4 या 5 ही रोटियां बनानी है मुझे, क्योंकि पूड़ी खाने का मन नहीं हो रहा, पराठे कल खाए थे रात, तो सिर्फ रोटियां बनानी है मुझे। तो 4 या 5 रोटी बनाऊंगी हम दोनों के लिए। तो अभी नहीं, थोड़ी देर में बोलना है कि थोड़ी देर में बना लेना, तो मैं थोड़ी देर में ही रुक कर बनाऊंगी। और मैंने अभी अपने बैठे बैठे दोपहर में अपनी नेल्स पेंट जो थी वो रिमूव करके बड़ा प्यारा सा न्यूट सा कलर लगाया है, और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा छोटा सा दाना भी निकलता है हल्का सा। तो अभी बैठे बैठे हैं तो मैं सोचती हूँ हम लोग जूस पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आप पियोगे ठंडा? फ्रिज का है ना, मैंने फ्रिज में सारी बोतल लगा दी है, जितने भी सारे 4-5 पैकेट लाए थे हम लोग। तुम भी मत पीना, बाहर निकाल के थोड़ी देर बाद पीना। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो बाहर निकाल के रख देती हूँ, फिर बाद में पीती हूँ। खाना कब खाओगे आप? बना लो, ठीक है चलो फिर थोड़ी देर में बना लेती हूँ। ठीक है चलो, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी है, अभी हम लोग लंच करेंगे। तो लंच में मैंने बनाए हुए हैं छोले, रोटियाँ, और ये लहसुन का अचार है, और ये लाल मिर्ची का अचार है। तो ये घर के नहीं है, बाहर के ही है, तो बस खाने का थोड़ा सा अचार अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी हमारा टेबल खाना, हाँ टेबल टेबल, हाँ टेबल इधर कर दो। ओके, तो अभी हमारा खाना हो चुका है, और काफ़ी लेट हो गया खाना खाए हुए, थोड़ा टाइम हो गया है। तो अभी 2:30 हो रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे थोड़ी देर सोना है दोपहर में, और मैं कभी सोती नहीं हूँ और लेटती भी नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना बिग बॉस देखूंगी, और एक दो शो जो सीरियल देखती हूँ मैं अपने, वो देखूंगी। तो चलो आप सो जाओ। हाँ मैं लेट रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इतना ज़्यादा बिजी थी। और गोलू इधर देखो, उन्हें पता ही नहीं है मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। क्या कर रहे हो आप? ओके, तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोपहर थोड़ा सा मैंने बिग बॉस देखा था जो मैं डेली देखती हूँ, और एक दो सीरियल जो मैं देखती हूँ वो देखे थे मैंने। फिर उसके बाद शाम को काम वाम किया था, कपड़े वपड़े धोए थे। टाइम हो गया, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज रहे हैं, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग जो मैंने सुबह से स्टार्ट किया था उसको मैं एंड कर देती हूँ, है ना गोलू? कितने कमजोर हो गए ना, जूस पियोगे? एप्पल दो। चलो आई होप आपको मेरा आज का छोटा मोटा सा व्लॉग, प्लीज इस वीडियो को बोलो लाइक कर दो। तो चलो मिलती हूँ आपको अच्छी इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गोलू बाय करो, बाय बाय।